आम पक। पता नहीं क्या ऐसी चीज ने काट दिया इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों के उड़ के उड़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की मॉर्निंग शुरू हो रही है, सॉरी आज का व्लॉग शुरू हो रहा है आलू से। तो आज संडे है और संडे की मॉर्निंग है अभी। तो आज मैं बनाने वाली हूँ आलू के पराठे। तो अभी मेरा आलू का डो भी तैयार है, आटा भी तैयार है। तो चलो मैं बनाती हूँ फटाफट से नाश्ता। टाइम हो गया है 10:30 करीब। तो चलिए तो मैंने कम से कम 4 या 5 पराठे बनाए होंगे, पतले पतले से। आप देख सकते हो सारे गोल तो नहीं बन पाई, बट फिर भी अच्छे बने थे और काफ़ी यम लग रहे हैं, आप देख सकते हो। तो हमारे पराठे तैयार हैं, आप लोग भी आ जाइए पराठे खाने। आज है संडे और अभी मॉर्निंग का 11:30 हो रहा है। तो मैंने अपना सारा काम निपटा दिया है और आज जैसे आपने देखा होगा मैंने पराठे बनाए थे नाश्ते में। और अच्छा तभी तक सोया नहीं है, और दिन में 2 बार सो जाता है, बट आज उसे पता है छुट्टी है। दोनों घर पे हैं भैया और पापा, तो इसलिए वो आज सोया नहीं। और बर्तन इतने ज़्यादा हो रखे थे ना, मैं बता नहीं सकती, पता नहीं कहाँ से इतने बर्तन होते हैं। दिखा देती हूँ कितने ज़्यादा बर्तन थे। और सारी बोतल वगैरह मैंने धो के रख दी है, क्लीन करके रख दी है, किचन क्लीन है। और नाश्ता 11:30 तक हो पा रहा है, तो आप सोचो खाने का टाइम भी हो गया। एक बार दिखा देती हूँ बैक कैमरे से, ये देखो। तो इतने सारे बर्तन और ये सब कुछ धो के रखा मैंने। तो अभी मैं दिन के टाइम पे बना रही हूँ चैसा, काली दाल को ये पीस के चैसा बनता है। और ये गढ़वालियों का ना फेवरेट डिशों में से एक है और ये हर घर में बनता है। और ये मैंने लहसुन टमाटर और प्याज कट करके रखा है, क्योंकि आज ना जीरा ख़त्म हो गया था, मुझे पता ही था। तो आज का छौंक इसी से लगेगा। और मसाले तो मिक्स हैं, तो मसाले और नमक बीच में ऐड करूँगी। Thank you.
इसके गाल पे पता नहीं किस कीड़े ने काटा, पता नहीं किस चीज़ ने काटा। इसका एक तरफ आप देख सकते हो पूरी स्वेलिंग हो रखी है, यहाँ पे ये काटा है। अभी मच्छर ने काटा या किसी कीड़े ने काटा पता नहीं इसको। हाँ आ जाओ, आ जाओ। खाना खुना बन चुका, अभी खाया नहीं। और इसका देखो पूरा मुंह। कल शाम को ना, अरे कल शाम को हम गए थे फील्ड, पता नहीं फील्ड में ही किसी मच्छर ने काटा या फिर घर ही पे ही। इसका पूरा मुंह देखो पूरी स्वेलिंग आई है इसके, पता नहीं इसके। देखो इधर कैमरे में उतना नहीं दिख रहा बट बहुत स्वेलिंग आई है इसका। एक तरफा इतना मतलब भयंकर सा हो रखा है, देखो दिख रहा है कैमरे में भी दिख रहा है। और अच्छा इसकी बिना सुबह तबियत खराब सी हो रही थी, पता नहीं क्या हो गया था। ये ठीक है, ये देखो ऐसा लग रहा है कि मुंह में कुछ रखा होगा। आप सुने ये मेरे को और हनी को देख रहा है ना वो फोन में, इसलिए हंस रहा है। इसके चार दांत, चार नहीं इसके पांच दांत, तीन ऊपर इसको। मुँह देखो पूरा टेढ़ा लग रहा है, मुझे कितना बुरा लग रहा है अच्छों को देखते। जैसे मक्चू को देखने में बहुत बुरा लग रहा है, उसका मुंह देख नहीं रहा तू। तुझे देख के तो अच्छा लगता है, तुझे देख के बुरा क्यों लगेगा, तू अच्छा है तो अच्छा ही तो लगेगा। और उसे उसका मुंह देखना, किसी कीड़े ने काट दिया। देखो कीड़े ने नहीं, मच्छर ने काटा है। पता नहीं ये कब तक ये स्वेलिंग ठीक होगी, बड़ा बुरा लग रहा है मुझे। मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा है। पंखा लगा रखा है ये देखो, लेकिन पता ही नहीं चल रही थी ज़्यादा गर्मी हो रही है। मुझे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। मैं सोची थी अभी नहाऊंगी बट वैसे ही हो गया सुबह से बच्चों के साथ। और ये भी लाइट नहीं आ रही है। हाँ, लाइट भी नहीं आ रही थी तो इस वजह से मैं नहाई नहीं अभी। अब सोचूंगी, देखूंगी अभी 2 बज जाए, खाना वगैरह खाएंगे और मम्मी लाइट आएगी तो तब देख लेगा। ठीक है, तो अब छूना आज 3-4 बजे से तो सोया नहीं था शाम के टाइम पे, और इस टाइम पे वो सोया 5 बजे करीब वो सोया। उसके साथ फिर मैं भी सोई और हनी तो सोया ही नहीं, उसके पापा सोए थे, पापा घर पे ही हैं। और वो ना इस टाइम पे सोया, उल्टे टाइम पे, मतलब 5 बजे सोया और अभी 7 बज चुका है, अभी सोया है वो। और मैं आ रखी हूँ चाय बनाने के लिए। तो ये बच्चे ना आजकल दिन में सो ही नहीं रहे, और खेलने पे लगा हुआ था वो उस टाइम से, उन्होंने मेरे को भी नहीं सोने दिया। मेरी इतनी मतलब खतरनाक मुझे नींद आ रही थी बट उन्होंने सोने ही नहीं दिया दोनों ने। बड़ा वाला तो सोया ही नहीं, फिर छोटा वाला 5 बजे करीब फिर सो गया। और उसके यहाँ पे ना काफ़ी वो स्वेलिंग आ गई है यार, मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा, पता नहीं कैसे मच्छर एक कीड़े ने काटा, किस मतलब सूज गई है उसका गाल, और उससे ना पानी सा निकल रहा है। वो कुछ बिसैली चीज़ ने उसको काटा है, इस वजह से वो पानी जैसे निकल रहा वहाँ पे। और अभी मैंने उस पर ना पीला पीला आपको दिख रहा था, मैंने उस पर हल्दी और तेल लगाया ताकि वो जो स्वेलिंग है वो थोड़ा सा घट जाए। तो चलिए चाय बनाते हैं। बर्तन देखो अभी ऐसे हैं, तो बनाते हैं चाय। देखो उठ गया अक्षत, और टाइम हो गया है 8, ये देखो 10-15 मिनट बचे। अच्छा ये देखो इसका गाल ठीक ही नहीं हो रहा है। और लाइट नहीं है यहाँ पर, लाइट ये चार्ज वाला बल्ब है। उधर देखो पूरा अंधेरा, अल्लाह क्या शान करने पे लगा। इसको गाल देखो कितना खतरनाक हो रखा है, कल ठीक नहीं होगा तो मैं दिखाऊंगी। बट ये देखो पूरी अभी तो कुछ ज़्यादा ही दिख रही है स्वेलिंग, आगे उतनी नहीं दिख रही थी बट अभी देखो रानी क्या ऐसी चीज़ ने काट दिया इसको, मुझे समझ नहीं आ रहा है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही, बहुत गर्मी।